हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। इन जनरल इंग्लिश वी हैव कंपोजिशंस, लेटर्स, सीवीज, रिज्यूम्स एट्सेट्रा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द लेटर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अनिवार्य अंग्रेजी में हमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से लेटर राइटिंग, पत्र लेखन के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आई विल टॉक अबाउट दिस। आई एम डॉक्टर एस आर भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लेटर्स दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल यानी औपचारिक, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, इन में डिफरेंस क्या है? फॉर्मल लेटर क्या है? फॉर्मल लेटर इज़ रिटन फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पजेज विद ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन माइंड। फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र व्यापारिक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए और दिमाग में एक विशेष उद्देश्य को के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इट यूजेज सिंपल लैंग्वेज दैट कैन बी ईजी टू रीड एंड इंटरप्रेट। इसमें बिल्कुल साधारण भाषा का प्रयोग होता है जो पढ़ने में और समझने में आसान होती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इनफॉर्मल लेटर्स, इसके विपरीत जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं अनौपचारिक यानी घरेलू, न कि कार्यालय संबंधी, बिल्कुल घरेलू अनौपचारिक, आर रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन एंड यूजेज ए कैजुअल और एन इमोशनल टोन। इनका प्रयोग दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, व्यक्तिगत संवाद के लिए और किसी आकस्मिक या भावनात्मक दृष्टिकोण के संदर्भ में लिखे जाते हैं। लेटर्स आर ए फॉर्म ऑफ वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। जैसे मौखिक और लिखित संपर्क संवाद होता है, वैसे ही पत्र भी मौखिक और लिखित संवाद का ही भाग है। विच कंटेन्स इन्फॉर्मेशन और मैसेज, जिसमें सूचनाएं, संदेश निहित होते हैं। सेंड बाई वन पार्टी टू अनोदर, एक व्यक्ति से एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में दूसरे व्यक्ति की तरफ प्रेषित किए जाते हैं। टू कन्वे द मैसेज, जिससे कि संदेश का संप्रेषण हो सके। इट इज़ सेंड बाई वन पार्टी टू अनोदर, एक पार्टी से दूसरी पार्टी को भेजा जाता है। टू प्रोवाइड सर्टेन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसमें निश्चित महत्वपूर्ण सूचना प्रदान की जाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, दैट इज फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। दो प्रकार के पत्र भी होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ऑन द कॉन्ट्रेरी इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव टू फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन एंड यूज ए कैजुअल और इमोशनल टोन। द आर्टिकल एक्सर्प्ट्स प्रेजेंट्स यू ऑल द इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स इन ए डिटेल मैनर। इस लेख में आपको महत्वपूर्ण जानकारी, अंतर बताए जाएंगे कि फॉर्मल यानी औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक, विस्तृत तरीके से इनमें अंतर भी पाया जाता है। ए फॉर्मल लेटर इज एनी लेटर रिटन इन द प्रोफेशनल लैंग्वेज। फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र, वह होता है जो किसी व्यावसायिक भाषा में लिखा जाता है, विद ए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर ए फॉर्मल पर्पज, जिसका एक निर्धारित प्रदत्त प्रारूप होता है, जिसका एक औपचारिक उद्देश्य होता है। दैट्स इट कैन बी ए रिकमेंडेशन लेटर, हो सकता है एक अनुशंसा पत्र हो, इंक्वायरी लेटर पूछताछ का पत्र हो, कंप्लेंट लेटर शिकायत का पत्र हो, कवर लेटर एंड सो ऑन, या किसी कवर यानी मुख्य भाग के रूप में लिखा जाने वाला पत्र हो। ऑल बिजनेस लेटर्स आर फॉर्मल्स बट वाइस वर्सा इज़ नॉट पॉसिबल। सभी व्यावसायिक जो पत्र होते हैं वो औपचारिक होते हैं, इसके विपरीत जो इनफॉर्मल होते हैं वो उसमें संभावना कम होती है व्यावसायिक की। सच लेटर्स आर यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस लाइक ए फॉर्मल इनविटेशन। कुछ पत्र विभिन्न कारणों से औपचारिक आमंत्रण के लिए हो सकते हैं, प्रपोजल प्रस्ताव के लिए, रेफरेंस संदर्भ के लिए, मेकिंग कंप्लेंट और इंक्वायरी शिकायत या पूछताछ करने के लिए, अप्लाइंग फॉर ए जॉब या किसी नौकरी की तलाश के लिए अप्लाई करने के लिए किया जाता है।
वेल राइटिंग इन फॉर्म लेटर वन शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग थिंग्स। एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी एक औपचारिक पत्र को लिखने के लिए उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमें भली बातें समझना चाहिए। जैसे इट शुड बी इन ए स्पेसिफिक फॉर्मेट, पहली बात यह है कि विशेष प्रारूप में होना चाहिए। इसका एक प्रारूप होता है, तरीका होता है, नमूना होता है। इट शुड अवॉइड द यूज ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स, अनावश्यक शब्दों का इसमें प्रयोग टालना चाहिए। इट शुड बी स्ट्रेट टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, बिंदुवार, निश्चित बात के लिए इसका प्रयोग सीधा प्रत्यक्ष होना चाहिए। इट शुड बी रेलेवेंट एंड ऑब्जेक्टिव, रेलेवेंट प्रासंगिक और निष्पक्ष होना चाहिए। इट शुड बी कॉम्प्लेक्स एंड थोरो, पूरी तरह से जटिल और स्पष्ट सीधेपन के लिए होना चाहिए। इट शुड बी पोलाइट इवन इफ इट्स ए कंप्लेंट लेटर, इतना विनम्र भी होना चाहिए कि ये शिकायती पत्र भी हो जाए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी मिस्टेक्स, दैट इज ग्रामेटिकल स्पेलिंग, इसमें किसी भी प्रकार का व्याकरणिक, वर्तनी संबंधी, स्पेलिंग संबंधी गलतियाँ न हो, इसे दूर हो। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स, तीन प्रकार के औपचारिक पत्र होते हैं। दैट इज बिजनेस लेटर्स, बिजनेस के पर्पज से व्यावसायिक पत्र, लेटर्स फॉर आउटलाइनिंग सिविक प्रॉब्लम्स, कुछ पत्र जो सामान्य जनता के लिए समस्याओं को सुलझाने के लिए होता है। एंड जॉब एप्लीकेशंस, नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र। कुछ इसमें बेसिक अंतर बताए गए हैं कि किस प्रकार से दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का प्रारूप, जैसे कि आपके सामने दिया गया है, किस तरह से इनका प्रयोग होना चाहिए। जैसे दाएं तरफ हम देखते हैं, दोनों में सेंडर्स एड्रेस एंड अदर कॉन्टेक्ट इन्फो, ईमेल, टेलीफोन, फैक्स, दोनों में ही ऊपर की तरफ राइट साइड में प्रेषित, प्रेषक का नाम, भेजने वाले का नाम, एड्रेस, तिथि इत्यादि विद मोबाइल नंबर होना चाहिए, नीचे डेट होना चाहिए। फॉर्म लेटर में जो रिसिपिएंट्स एड्रेस है, जिसको लिखा जाना है, जिसको पत्र मिलेगा, उसका कोई नंबर पता हो तो लिख देना चाहिए। हम शुरुआत कर सकते हैं अनौपचारिक पत्र के डियर से, लेकिन जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें नाम नहीं होता है, इसलिए हम सर और मैडम कह करके भी लिख सकते हैं। हम फॉर्मल जो औपचारिक ऑफिशियल होते हैं इसमें सर या मैडम से संबोधित करते हैं, जबकि इनफॉर्मल में डियर का प्रयोग हम कर सकते हैं। फॉर्मल लेटर में कुछ बातें, जैसे इट मे बी अप्रोप्रिएट टू स्टार्ट विद द रेफरेंस द लाइन, ऑफिशियल लेटर में रेफरेंस यानी संदर्भ होना बहुत ज़रूरी है, संदर्भ के बिना पत्र लिखना संभव नहीं है, जबकि इनफॉर्मल लेटर में संदर्भ की कोई बात ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आपको यू मे हैव मोर देन टू पैराग्राफ्स, दो पैराग्राफ से भी ज़्यादा हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हो द रिसिपिएंट इज यू विल हैव टू वेरिंग लेवल्स ऑफ इनफॉर्मलिटी, डिपेंड करता है कि पत्र को पढ़ने वाले कितने होंगे, कितने लेवल की अनौपचारिकता होगी। इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट इन इनफॉर्मल लेटर्स कॉन्ट्रास्ट फॉर्म्स कैन बी यूज्ड, हाँ, कुछ विरोधाभासी वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, जैसे कांट इंस्टेड ऑफ कैन नॉट, हैवंट इंस्टेड ऑफ हैवंट। इसमें यू मे हैव आल्सो यूज मोर कोलोक्वियल लैंग्वेज रजिस्टर, बोलचाल की भाषा प्रयोग कर सकते हैं, चैटी टोन यू माइट यूज इन स्पीच, मिड स्लैंग वर्ड्स। पंक्चुएशन कैन बी लेस और फॉर्मल, अनौपचारिक में इनफॉर्मल में पंक्चुएशन जो निशान है कम से कम वो औपचारिक तौर पर प्रयोग किए जा सकते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग किया जाता है, सिग्निफाइंग शोक और जोक्स, डैशेज इंस्टेड ऑफ कॉमास, ब्रैकेट्स यूज टू सेपरेट एडिशनल आइडियाज, ये इनफॉर्मल में। जबकि फॉर्मल में हमें क्या करना चाहिए कि कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स है ना, जैसे हैवंट, हैव नॉट, इनका यूज करना जरूरी नहीं है, फुल में लिखो आप। यूज फॉर्मल स्टैंडर्ड इंग्लिश, नो स्लैंग, कीप सेंटेंसेस प्रेसाइज एंड गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, सीधे नपे तुले शब्दों में प्रत्यक्ष रूप से लिखा जाना है। की बिजनेस लेटर्स फोकस्ड एंड डोंट वेफल ऑन, व्यावसायिक लेटर पर फोकस करके लिखा जाना चाहिए, इधर उधर की तरह नहीं। इफ कंप्लेनिंग बी पोलाइट एंड यूज इंटेलिजेंट वोकैबुलरी, अगर शिकायत है तो विनम्र होकर बुद्धिमत्ता भाषा का प्रयोग करते हुए लिखिए।
फिर इसमें क्या लिखना अपने को, सम ऑफ योर मेन पॉइंट एंड स्टेट दैट यू लुक फॉरवर्ड टू रिस्पॉन्स टू योर लेटर क्वेरी कंप्लीटेड। इस तरह से आप अपनी बात को समापित करोगे कि वो लगे कि उसमें आपने विनम्रता तो दिखाई है लेकिन आप उसके जवाब के इंतज़ार में हो, उत्सुक हो। इट्स योर्स फेथफुली, ग्रीटिंग टू सर मैडम, योर सिंसियरली, निव नेम इज गिवन। फेथफुली अगर आप सर मैडम कहते हैं तो फेथफुली, सिंसियरली अगर नाम दिया गया तो। इनफॉर्मल में क्या होता है, डिग्री ऑफ इंटीमेसी विद रिसिपिएंट विल डिटरमाइन द वे बाय यू साइन अप। किस प्रकार से संबंध है, व्यक्तिगत है, बेस्ट विशेज, काइंड रिगार्ड्स, योर स्टोली, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस आपको इसमें प्रयोग करना है। इसके अलावा हम इसमें कंपेरिजन चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। कंपेरिजन चार्ट में जैसे बेसिस फॉर कंपेरिजन, दोनों में क्या अंतर है, मीनिंग फॉर्म लेटर, एक लेटर होता है जो फॉर्मल लैंग्वेज होता है, स्टिपुलेट फॉर्मेट होता है, ऑफिशियल पर्पज़ होता है, और इनफॉर्मल में फ्रेंडली मैनर होता है, फेमिलियर होता है, इसलिए इनफॉर्मल है। दोनों में लक्ष्य क्या है, पहले में ऑब्जेक्टिव में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, व्यावसायिक है, और इनफॉर्मल में पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मेट कैसा होता है, रिटर्न में एक निर्धारित प्रारूप होता है, इनफॉर्मल में कोई निर्धारित प्रारूप नहीं होता है। लिखित में बिजनेस लेटर फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है, थर्ड पर्सन में भी लिखा जा सकता है, लेकिन इनफॉर्मल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पर्सन का यूज़ होता है। लिखित में बिजनेस, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉयर, ऑर्गेनाइजेशन, इनका प्रयोग करते हैं, और फॉर्मल में, इनफॉर्मल में फ्रेंडली, फैमिली, एक्वेंटेंसेस। फॉर्मल लेटर में पैसिव इसका प्रयोग करते हैं, इनफॉर्मल में एक्टिव का। वाक्य कैसे होने चाहिए, सेंटेंस फॉर्मल में लंबे और बड़े, कम जटिल, इनफॉर्मल में शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। साइज कैसे होना चाहिए, फॉर्मल सिंपल कौन साइज होना चाहिए, और इनफॉर्मल बड़ा भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, कौन साइज भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्शंस एंड अब्रीविएशंस फॉर्मल में तो अवॉइड करना चाहिए, इनफॉर्मल में आप यूज करते हो तो ठीक है। इनफॉर्मल लेटर वो होता है जो किसी को इज रिटन टू समवन वी नो फेयरली वेल, ठीक है। द लेटर कैन बी यूज्ड फॉर सम रीजन्स लाइक कैरिंग कन्वे मैसेज। अनौपचारिक में हम किसी को संदेश देना, न्यूज, गिविंग एडवाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन, रिसिपिएंट रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, आस्किंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनफॉर्मल एक पर्सनल लेटर होता है जिसको आप जानते हो, फेमिलियर विद, लाइक फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, पेरेंट्स और एनी अदर पर्सन। देर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, इसमें कोई प्रारूप नहीं होता है। वाइल राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर वन कैन अफोर्ड टू बी फ्रेंडली। अनौपचारिक लिखने के लिए आप फ्रेंडली हो सकते हो, यूज पर्सनल और इमोशनल टोन यूज कर सकते हो, स्लैंग और कोलोक्वियल टर्म्स, बोलचाल की भाषा, कोड्स, अब्रिविएशंस यूज कर सकते हो। राइटिंग में डिपेंड करता है आपको कैसे संबंध है। फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, जैसे पता है कि ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, चेयर होल्डर्स के लिए, मेक कंप्लेंट्स, रिक्वेस्ट, इंक्वायरीज ऑर्डर्स के लिए होता है। फॉर्मल लेटर में क्या होता है कि हमें द पर्सन टू होम यू आर एड्रेसिंग द लेटर इज नॉट ए फ्रेंड और एनीदर, जिसको आप संबोधित करते हो आपका कोई दोस्त नहीं है जो आपको जानता है। आप इसमें योर टोन इज फुल ऑफ रेस्पेक्ट की टोन होनी चाहिए, फॉर्मल वर्ड्स के साथ सेंटेंस हो, इसमें नाइस इंप्रेशन अगले पे पड़े। फॉर्मल लेटर्स में एक सेट ऑफ फॉर्मेट होता है जिसमें आपका नाम, डेजिग्नेशन, पद, एड्रेस होता है रिसिप्ट टॉप, वाइल योर ओन नेम एंड एड्रेस एट द टॉप राइट साइड में आप ऊपर दाएं तरफ लिख सकते हो। यू साइन अप एट द बॉटम ऑफ लेफ्ट एंड योर टू, इनफॉर्मल में आप अपने साइन राइट साइड लेफ्ट में कर सकते हो। अब इनफॉर्मल लेटर्स क्या है कि इनफॉर्मल लेटर्स में बताया कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, और द पर्पज़ ऑफ राइटिंग लेटर इज टू नॉट टू मेक कंप्लेंट इंक्वायरी। इसमें कोई शिकायत पूछताछ नहीं होती है, टोन होती है इसकी बिल्कुल सामान्य होती है। द वर्ड्स यूज कैन बी कोलोकियल एंड सोलन, भाषा बोलचाल की हो सकती है सामान्य भाषा का प्रयोग। एंड यू आर नॉट देयर टू क्रिएट एन इम्प्रेशन, आपका इसमें इम्प्रेशन कोई नहीं पड़ता। इनफॉर्मल लेटर्स कैन बी कंसिडर्ड ए फ्री स्टाइल, एक फ्री स्टाइल में लिखे जाने वाले होते हैं, जैसे स्विमिंग में होता है, इसमें वेर यू आर फ्री टू राइट इन द स्टाइल एंड टोन, जिस तरह की भाषा आप मर्यादित भाषा प्रयोग कर सकते हो। देर इज़ नो सेट फॉर्मेट, कोई इसका फॉर्मेट प्रारूप नहीं होता है। देर इज़ नो नीड टू बी यूजिंग फॉर्मल स्टाइल एंड टोन, कोई भी औपचारिक शैली या दृष्टिकोण का प्रयोग इसमें नहीं करना होता है। तो इस तरह से द स्टूडेंट्स, आई थिंक यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस PPT, एंड थैंक्स फॉर योर नाइस कॉपरेशन, थैंक्स। एंड इट सीम्स दैट आवर सिलेबस इज गोइंग टू बी फिनिश्ड वेरी
soon. Thanks once again.